जेवर अस्सलाम वालेकुम। जेवर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक सूफी को कैसे अल्लाह के जिक्र से शैतान ने गाफिल कर दिया और हजरत हिदर अलैहिस्सलाम ने उस ख्वाब में आकर क्या कहा। ये सब कुछ जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया तो जल्दी कोई वीडियो और साथ बेल के बटन को दबाना न भूलिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगर मौलाना रूमी फरमाते हैं कि एक सूफी अल्लाह के जिक्र में शब बेदारी कर रहा था, शैतान का ऐसा सूफी खामोश रहे, तेरे जिक्र का क्या फायदा, अल्लाह की तरफ से जवाब नहीं आ रहा। सूफी दिल बर्दाश्ता होकर सो गया। ख्वाब में हजरत हिदर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तआला के जिक्र से क्यों गाफिल हो गया है। सूफी कहने लगा, अल्लाह की तरफ से जवाब नहीं आ रहा था इसलिए जिक्र छोड़ दिया। हजरत हिदर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह कहता है ऐ बंदे, तेरा अल्लाह कहना ये मेरा जवाब है। जब तक तेरा पहली बार अल्लाह कहना कबूल नहीं होता उस वक्त तक मैं दूसरी बार कहने की तौफीक नहीं देता। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक।